हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि लैग्रांजियन है। सीएसआर नेट और गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक और खास बात यह है कि जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम सोल्व करते आए थे न्यूटोनियन अप्रोच से, यहां पर भी हम वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन यहां पर अब जो अप्रोच रहने वाली है क्वेश्चन सोल्व करने की वो डिफरेंट रहने वाली है। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लैग्रांजियन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास की स्टार्ट करना चाहूं, यानी लैग्रांजियन को आपको बताना चाहूं, लैग्रांजियन होता क्या है, कैसे लिखी जाती है, ठीक है। लैग्रांजियन से हम किसी भी सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम आगे चल के भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लैग्रांजियन क्यों पढ़ें, हमें लैग्रांजियन को पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। किसकी बात करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी जो सर न्यूटन है उनके जो लॉज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तीन न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अब ये जो न्यूटन्स है इस पर ही पूरी मैकेनिक्स टिकी हुई है, ठीक है। जब हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डीवी बाई डी टी, दैट इज द फोर, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। और यहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, यानी कि मेरे को मैं बात करता हूं रियलिस्टिक में क्या होता है कि मेरे पास एक कार है वो चल रही है रोड पर, अगर किसी टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन मेरे को पता चल गया तो मैं उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि वो कहां पर होगी। अगर किसी भी टी टाइम पर ये दो चीज मिली, पोजीशन मोमेंटम या फिर पोजीशन वेलोसिटी, ऐसे बोल सकते हैं, अगर किसी टी टाइम पर अगर मेरे को पोजीशन और मोमेंटम मिल गया, ठीक है, किसी भी टी टाइम पर, तो हम उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो कहां होगी। अगर ये दो चीजें मिली तो हम उसके बारे में सारी चीज देख सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम सारी निकाल कर रख सकते हैं, ठीक है। और ये सब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, न्यूटन्स ने जो लॉ दिए हैं उस पर बेस है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और वहां से हम उन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और आप करते आए हैं। आपने +1 +2 9th 10th जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तब से आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को लगा रहे हैं और आप प्रॉब्लम को सोल्व करते आए हैं। आपने +1 में पढ़ा, +2 में पढ़ा, ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी, लेकिन मास्टर्स में जब आते हो, जब आप एक नई टर्म से डील करते हो, दैट इज द लैग्रांजियन। जो काम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रही है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हम पढ़ रहे हैं, यानी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अब तक जो अप्रोच लेते आए हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो हमारे पास कौन सी अप्रोच थी, न्यूटोनियन अप्रोच थी। न्यूटोनियन अप्रोच अभी तक लगाते आए हैं, यानी कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम न्यूटोनियन अप्रोच की सहायता से प्रॉब्लम्स को क्या करते थे, सोल्व करते थे। हम प्रॉब्लम्स को क्या करते थे मेरे बच्चे, सोल्व करते थे, उनका सॉल्यूशन निकालते थे। किसकी सहायता से न्यूटोनियन अप्रोच की सहायता से, यानी न्यूटन लॉ लगाकर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन अब हमें जो हमारी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है जो हम न्यूटोनियन अप्रोच से सोल्व कर रहे थे, अब उन्हें प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, दूसरी अप्रोच लगाते हैं जिसको हम लैग्रांजियन अप्रोच बोलते हैं। ये कौन सी अप्रोच है हमारे पास, लैग्रांजियन, यानी लैग्रांजियन की सहायता से अब हम जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर पाते हैं, यानी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकाल पाते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हम क्या निकाल पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं, यानी जितनी भी प्रॉब्लम न्यूटोनियन से सोल्व कर सकते हैं वो सारी प्रॉब्लम हम किससे सोल्व कर सकते हैं, लैग्रांजियन से भी सोल्व कर सकते हैं। यानी न्यूटोनियन का एक अल्टरनेट और न्यूटोनियन का एक बेटर वर्जन है,
मेरी बात आप नहीं समझे, अब ये बेटर वर्जन कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ भी हम पढ़ने वाले, ठीक है। न्यूटोनियन अप्रोच से हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम उसको सोल्व करते हैं। न्यूटोनियन अप्रोच में हमें क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ रहा है कि उस सिस्टम पर कितने फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी उस सिस्टम पर जो फोर्स लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये भी ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर हम एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर वो जो इक्वेशन बनती है उसकी सहायता से हम सारी चीजें उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, यानी हमें हम नेट फोर्स की बात करते हैं कि नेट फोर्स सिस्टम पर कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। न्यूटोनियन अप्रोच जो है, जो अब तक आप पढ़ते आए, वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, थोड़ी डिफिकल्ट मालूम पड़ती है, क्योंकि न्यूटोनियन अप्रोच में हमें एक एक फोर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, यहां पर जो एयर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लो जैसे जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जिसका मास एम है, ये नीचे आने लग रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एम जी फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर हम इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। ये हुई हमारी न्यूटोनियन अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच है लैग्रांजियन अप्रोच। ये कैसे आसान हुई? लैग्रांजियन अप्रोच की खास बात यह है, हमें यहां पर फोर्स के बारे में ध्यान नहीं देना कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या ध्यान देना है भाई, हमें यहां सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है उसके बारे में ध्यान देना है, हमें यहां पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसके बारे में ध्यान देना है, यानी किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखना क्या होता है, आसान होता है। तो ये जो लैग्रांजियन अप्रोच है ये प्रॉब्लम को आसान बनाती है, क्या करती है, आसान बनाती है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो सिस्टम है उसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक बार हमें ये पता चल गई तो हम प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो आज हम लैग्रांजियन अप्रोच की बात करने वाले हैं। न्यूटोनियन अप्रोच आपने बहुत पढ़ाया, आज थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज है, उसको जरा समझते हैं और आज हम चर्चा करते हैं लैग्रांजियन अप्रोच की। और यह भी बताया कि लैग्रांजियन अप्रोच हम क्यों पढ़ रहे हैं, यह थोड़ा बेटर वर्जन है। जैसे एंड्रॉयड आए थे तो एंड्रॉयड टाइम के साथ बेटर होते चले गए हैं, ठीक है भाई, बेटर जो उनका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एडवांस होता चला गया है, ठीक है। तो ये बेटर वर्जन है, इसी प्रकार ये हमारा क्या है, एक बेटर वर्जन है। और एक कमाल की बात है, न्यूटोनियन के अंदर हम केवल थ्री डायमेंशन के अंदर चीजों को डील कर सकते हैं, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, हम थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, तो हम थ्री डायमेंशन में चीजों को सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास कहीं चार डायमेंशन हो, हमारे पास कहीं पांच डायमेंशन हो, तो चीजों को कैसे सोल्व करेंगे, तो वहां पर जो ये लैग्रांजियन अप्रोच है ये काम आती है। वहां पर इस लैग्रांजियन अप्रोच के द्वारा हम चीजों को सोल्व करते हैं। जब हम रिसर्च फील्ड में जाते हैं, जब भी हम कोई क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो हम बात करते हैं एन नंबर ऑफ डायमेंशंस की, तो हम लैग्रांजियन के द्वारा चीजों को सोल्व करते हैं, ना कि न्यूटोनियन। न्यूटोनियन की लिमिटेशन है, ये थ्री डायमेंशन से बाहर जा ही नहीं सकता, यहां पर हम कितने भी डायमेंशन उनकी भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन कमाल की बात है, इन दोनों ही प्रॉब्लम को जब अपन सोल्व करेंगे तो थ्री डायमेंशन में ही सोल्व करेंगे, क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ पर जो प्रॉब्लम है वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, जो हमें देखने को मिलती है, उन्हीं का हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कैसे होगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस होगा, तो हम थ्री डायमेंशनल स्पेस की यहां पर बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लैग्रांजियन अप्रोच के बारे में चर्चा करते हैं कि लैग्रांजियन अप्रोच है क्या। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा लैग्रांजियन, ठीक है, क्या रहा लैग्रांजियन। लैग्रांजियन क्या होता है, एल से इसको डिनोट किया जाता है, और ये किसके बराबर होता है, टी माइनस वी, किसके बराबर होता है, टी माइनस वी, ये याद रखिएगा। वी हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, वी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। और हमारे पास टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। देखो मैं आपको सीधा काइनेटिक एनर्जी को सीधा फॉर्मूला समझा रहा हूं कि कैसे अप्लाई करके कैसे रिजल्ट को हम निकाल सकते हैं। अगर एक सवाल जनरली पूछ लिया जाता है कि जो लैग्रांजियन है ये हमारा किस यूनिट का होगा, देख के लग रहा है कि सर पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल होती है, तो इसका मतलब लैग्रांजियन की यूनिट जूल होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है।
यहां पर जो हम लैग्रांजियन लिख रहे हैं एक जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के तरीके से लिख रहे हैं, वो एक बहुत अलग चीज हो गई। बिल्कुल जब हम स्टेप वाइज चीजों को पढ़ते हैं जब ये समझ में आता है, लेकिन मैं अभी बीच में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, ठीक है, चीजों को सोल्व करने का एक और नया मेथड अप्रोच बता रहा हूं, तो अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे। लेकिन क्यों ऐसा इसलिए होता है, जब हम टी और वी लिखते हैं तो हम ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है, और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई जरूरी नहीं वो हमेशा पोजिशन को रिप्रेजेंट करे। मैं आपको एक वैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है, जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट केवल पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर टी और वी ऑटोमेटिकली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट की खासियत यह है कि वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, ये जरूरी नहीं है, वो किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब हम लैग्रांजियन की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात की जाती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाती है, कौन कौन सी है, नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है, ये सब बातें बताई जाती है, ठीक है। लेकिन हमें एक टॉपिक पढ़ना है तो इसको थोड़ा समझते हैं और डिटेल में हम बाकी इस चीज को जान भी सकते हैं। तो लैग्रांजियन सिंपल क्या है, सिंपल सरल भाषा में अगर आपको सोल्व करना है तो वो है L इज इक्वल टू टी माइनस वी, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, टी इज द काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखना, L की एनर्जी, सॉरी L की जो यूनिट है वो जूल हो, ये जरूरी नहीं है, L की कोई यूनिट डिफाइन नहीं है किसी भी बुक में, ठीक है, किसी भी यूनिट में कोई यूनिट एल के डिफाइन नहीं है। लेकिन हम रियलिस्टिक स्पेस में हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो जनरली टी और वी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। चलो भाई, दैट इज द एल, ये हमारे पास एल। इसके साथ जब हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होती क्या, ये होती है डी बाई डी टी डी एल बाई डेल क्यू आई डॉट, या फिर डेल क्यू आई ऐसे लिख दो, क्यू क्या है, रिप्रेजेंट है, ठीक है, डेल डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर आपको एल पता चला तो आप क्या लिख सकते हैं, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको सिंपली हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं बच्चे, सिंपली है क्या ये, सिंपली हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। सिंपली क्या है ये, हमारे पास सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए जो लिख रहे थे वही ये सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन देती है, लेकिन इसको हम बोलते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी आपके पास एक प्रॉब्लम है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, एक बार आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई तो फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपको पोजीशन निकाल सकते हो किसी टी टाइम पे कहां, उसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी टी टाइम पर ये बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी किसी टी टाइम पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी सब कुछ आप बता सकते हो, उसका मोमेंटम, सब सब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर आप एक बार एल एल लिखे, एल से आप ये लिख पाए, यहां से एक इक्वेशन मिलेगी उससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ये सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन इसको बोल दिया जाता है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो भाई, ये हमारे पास है। अब कहोगे सर ये क्यू आई क्या, क्यू आई हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है, यानी वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई जेड, तो क्यू की जगह हम कई बार एक्स लेंगे, क्यू की जगह कई बार वाई लेंगे, क्यू की जगह कई बार जेड लेंगे, तो सिंपली यही है। इस प्रकार से इस बात को समझो, क्यू आई हमारे पास क्या है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, दैट इज द क्यू आई। क्यू आई हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। चलो भाई, अब एक प्रॉब्लम करते हैं और एक प्रॉब्लम से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। पहले हम न्यूटोनियन अप्रोच लगाएंगे, ठीक है, फिर हम लैग्रांजियन अप्रोच लगाएंगे, दोनों से इस प्रॉब्लम को सोल्व करके देखेंगे, ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम, ठीक है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच इज कॉन्स्टेंट टू मूव
विच इज कॉन्स्टेंट टू मूव इन इन एक्स वाई प्लेन ओनली, इन एक्स वाई प्लेन ओनली, ठीक है। ये पहले हम किससे सोल्व किससे करना है, न्यूटोनियन से। ये लिख देता हूं भाई, न्यूटोनियन अप्रोच से आपको सोल्व करना है। न्यूटोनियन अप्रोच अप्रोच आपको लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास, ये रहा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, लेंथ कितनी है l, ये रहा, ठीक है, और ये एंगल कितना है थीटा। साथ में हमें गिवन है थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। देखो दोनों अप्रोच से करके दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये आसान है, ठीक है, कैसे ये आसान है। ये हमारे पास है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच इज कॉन्स्टेंट टू मूव इन एक्स वाई प्लेन ओनली। न्यूटोनियन अप्रोच, थीटा इज वेरी स्मॉल, न्यूटोनियन अप्रोच लगाएंगे, पहले उससे सोल्व करेंगे, फिर हम लैग्रैन्जियन अप्रोच लगाएंगे, फिर हम उससे भी सोल्व करेंगे। चला इसका सोल्यूशन देख लेते हैं भाई, न्यूटोनियन अप्रोच लगाते, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये किसमें मूव करेगा, केवल एक्स वाई प्लेन। अच्छा जी, ये हमें साथ ही साथ गिवन है भाई, यही ओरिजन है एक तरीके से, मान लो ओरिजन यही लेंगे क्योंकि पेंडुलम यहीं से हैंगिंग पोजीशन पर है, समझिएगा, ठीक है। इस प्रकार से है हमारे पास, ठीक है भाई, ये लो, ये लो, ये लो, मास m, लेंथ l, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, सिंपल सिंपल सी बात। ये एंगल क्या है, थीटा। अब इस पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे, न्यूटोनियन की खास बात है, हमें ये फोर्स ध्यान में रखना पड़ता है कि इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो इस पर फोर्स लग रहा है एक तो mg, ठीक है, mg फोर्स इधर लग रहा है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है टेंशन t इधर। और बताओ भाई, केवल यही दो ही फोर्स लगेंगे, धरती माता है तो फोर्स केवल दो लग रहे हैं। ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो इसे mg के दो कंपोनेंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं भाई, भाई mg को लेके गए तो एक कंपोनेंट इधर बना, ये बना mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आया, ये आया mg cos थीटा, ठीक, समझ में आई। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, t लगा एक mg लगा, तो दोनों फोर्स ध्यान ले। तो मैंने mg फोर्स के कंपोनेंट कर दिए, एक तो mg sin थीटा और एक क्या कर दिया, mg cos थीटा। तो अब हमें नेट टॉर्क लिखना है इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ये ओरिजिन है o, ठीक है। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट, अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट नेट टॉर्क बताओ भाई। t जो है ये लेंथ l है, ठीक है, और लेंथ के अलोंग ही वो है, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है r क्रॉस f, दैट इज द टॉर्क। r, r क्या है, पोजीशन, और f क्या है, फोर्स। यानी समझो जरा, आप आपको बेसिक सब आने चाहिए भाई, एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास जीरो है ओरिजिन है, और ये कोई r है लोकेशन, और इस पर लग रहा है कोई फोर्स f, ठीक है। तो R क्रॉस F ये है, इन दोनों का, इन दोनों के बीच का एंगल, ये R वेक्टर बन गया, ये एंगल जो होगा थीटा, वो साइन थीटा, इन दोनों। अब यहां पर देखो T किसके अलोंग लग रहा है, R के अलोंग, ये ओरिजिन है ना, ये पॉइंट है, तो R के अलोंग T है, R के अलोंग ही mg cos थीटा, तो जो टॉर्क सर्वाइव करेगा वो mg sin थीटा की वजह से करेगा। mg sin थीटा का कंपोनेंट इधर है, l इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो हमें जो नेट टॉर्क मिलेगा, नेट टॉर्क हमें जो मिलेगा वो अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड को हम कैसा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो नेट टॉर्क हमें कितना मिलेगा, माइनस ऑफ mg, mg, mg sin थीटा, ये फोर्स इनटू में l लेंथ। तो नेट टॉर्क इस पर इतना लग रहा। तो नेट टॉर्क, टॉर्क होता क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट, टॉर्क क्या होता है भाई, i इनटू में अल्फा, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आ गया i अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg l sin थीटा। अब i क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा डबल डॉट से। ओमेगा किससे रिप्रेजेंट होती है भाई, थीटा डॉट से, समझ में आई बात, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है आई। और इसका आई क्या है, अल्फा क्या है, थीटा डबल डॉट। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्जिया।
इसे ऑब्जेक्ट जिसका मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसे ओरिजिन के बहुत, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, मास कितना ऑब्जेक्ट का भाई, स्मॉल एम, और टोटल लेंथ कितनी है एल, यानी स्मॉल एल का स्क्वायर। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, एम आई आर आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू वन से लेके एन तक जितने, यही है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, तो वही लगाया। तो यानी इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास एम है, यानी ये जो बॉब है सिंपल जिसका मास एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ओरिजिन के अबाउट कितना आया, इतना आया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ। एक और कमाल की बात, अब मैंने क्या बोला था ध्यान से देखना, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा हमारे पास बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, मैंने क्या कहा थीटा हमारे पास बहुत छोटा है, तो जो साइन थीटा है नियरली किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। ये आगे इक्वेशन फाइव, तो दो तीन यानी तीन हमारे पास होगी, हाँ ठीक है, टोर्क की जगह रख देंगे, ठीक है आई अल्फा, यानी तीन चार पांच पुट इन इक्वेशन एक, ठीक है इक्वेशन तीन चार पांच पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम इसको रखेंगे, जैसे ही हम पहली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आया एम एल स्क्वेयर थीटा डबल डॉट माइनस एम जी एल साइन, साइन थीटा की जगह आ गया थीटा। अब देखो जरा एम से एम कट गया, एक एल से एल कट गया, तो यह आ गया एल थीटा, ये इक्वल का निशान, ध्यान से देखना भाई ध्यान से दोबारा से, एम एल स्क्वेयर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा की जगह थीटा ही आ गया, एक एल से एल कट गया, एक एम से एम कट गया, तो ये बन गया एल थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, माइनस जी थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया थीटा डबल डॉट प्लस में जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके लिए हमने इतनी मशक्कत की है इसे इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम जनरली कैसे लिखते हैं, तो हम सिमिलरली इसी इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं थीटा डबल डॉट प्लस में ओमेगा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जी बाई एल इतना, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है, टाइम पीरियड कितना हुआ है सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होता है टू पाई बाई ओमेगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया टू पाई बाई, ठीक है ओमेगा यानी एल बाई जी, ये सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा न्यूटोनियन अप्रोच से। अब इसी सिंपल पेंडुलम को हम लैग्रेंजियन अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं, इसी सिंपल पेंडुलम को हम किससे कैलकुलेट करेंगे, लैग्रेंजियन अप्रोच से, चलो भाई चलो ठीक है चलो। अब हम सेम सॉल्यूशन करेंगे, किससे करेंगे भाई, लैग्रेंजियन अप्रोच से सेम सॉल्यूशन। अब देखो लैग्रेंजियन अप्रोच लगाएंगे कितनी आसानी से ये हमारे पास सोल्व होके आ जाएगा, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा है, लैग्रेंजियन अप्रोच हमें लगानी है, ठीक है। देखो कितना फर्क है इन दोनों तरीकों में कितना फर्क है, कितना चेंजिंग है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये हमारे पास क्या है भाई, ओरिजिन, ध्यान रखेगा ये एंगल है थीटा। अरे इसके अंदर लैग्रेंजियन के अंदर अपने को क्या लिखना है भाई, अपने को l लिखना है, l क्या होता है t माइनस v पे, सबसे पहले l चाहिए, t क्या है काइनेटिक एनर्जी, v क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके वेरिएबल क्या होंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो केवल एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, यानी एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, तो जेड की वैल्यू क्या बनेगी, हमेशा जीरो रहेगी भाई इसमें, तो इसमें वेरिएबल क्या होंगे, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो एक्स और वाई इसकी पोजीशन यानी लोकेशन होगी। पोटेंशियल एनर्जी बताओ भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मास कितना है एम, एम जी कितनी हाइट नीचे है, कितनी हाइट नीचे है अगर हम बात करें तो, कितनी हाइट नीचे है भाई, ये वाई हाइट नीचे है, तो ओरिजिन से, तो एम जी माइनस वाई, तो वी हमारे पास क्या आ गया माइनस एम जी वाई, पोटेंशियल एनर्जी है, दो वेरिएबल है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टी इज इक्वल टू हाफ एम, अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है, तो एक्स डॉट स्क्वायर जमा वाई डॉट स्क्वायर, भाई एक्स एक्सिस के लोंग भी तो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस के लोंग भी वेलोसिटी कंपोनेंट होगा,
तो डॉट का मतलब क्या है यहां पर, एक्स डॉट का मतलब है dx by dt भाई, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई डॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब है डीएक्स वाई डी टी, वेलोसिटी कंपोनेंट किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि भाई प्लेन में मूव कर रहा है ना ये, तो एक्स के अलोंग भी वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा, वाई के अलोंग भी। ये हमारे पास क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी आई, ये आई काइनेटिक एनर्जी। अब एक और जरा देखिएगा इसमें कमाल की बात, अब हमने लिखी, अब मेरे को बताओ एक्स को मैं स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखना चाहता हूं, कौन से कोऑर्डिनेट में, एक्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, मेरे को बताओ। एल के दो कंपोनेंट बनेंगे, एल के कंपोनेंट दो बनेंगे, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा, तो एल के दो कंपोनेंट होंगे, देखो ध्यान से देखना भाई, एल के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, एल का एक कंपोनेंट ये ले लिया, तो एक्स किसके बराबर, एल एल साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब वाई कंपोनेंट ये वाई है, तो वाई किसके, एल का एक और कंपोनेंट, तो वाई क्या बन गया, एल कोस थीटा, तो ये दो कंपोनेंट, इस एल के दो कंपोनेंट, एक्स और एक वाई कह लो भाई, एल दे रखा ना लेंथ, तो एक्स एक्सिस किसके बराबर होगी, वाई एक्सिस, कंपोनेंट ले लिए, तो एक्स एक्सिस के अंदर एल थीटा इधर है, तो साइन थीटा, इधर कितना आएगा, एल कोस थीटा, तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एल कोस थीटा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एल साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये लो भाई। अब हमें एक्स डॉट और वाई डॉट चाहिए, तो एक्स डॉट की वैल्यू क्या बनेगी, इसमें डिफरेंशिएशन कर दो, एल जो लेंथ है पेंडुलम की वो तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, केवल थीटा वेरिएबल है, तो एल साइन थीटा का हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा का कोस थीटा, और यह आया थीटा डॉट। इसी प्रकार वाई डॉट, एल कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, और यह आया थीटा डॉट, ठीक है, ये आई इक्वेशन नंबर चार, ठीक है। अब लो भाई इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन जीरो का नाम दे देते हैं, जीरो, ठीक है, इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस एम जी, वाई की जगह आ गया एल कोस थीटा। इक्वेशन नंबर फाइव, अब काइनेटिक एनर्जी टी चाहिए हमें, तो टी के अंदर रखेंगे तो यह आया हाफ एम, अब देखो एक्स डॉट और इसका स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर, वाई डॉट इसका स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर, अब वाई डॉट फिर से प्लस का हो जाएगा, माइनस है ना, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यह आया थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉमन क्या आ गया, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आ गई, टी इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन बन गया, तो ये हमारे पास क्या आई, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द इक्वेशन नंबर सिक्स, ये हमारे पास सिक्स आ गया, इक्वेशन फाइव और सिक्स, इक्वेशन फाइव सिक्स पुट इन इक्वेशन जीरो, जीरो इक्वेशन में हम इसको रख देंगे, तो जब जीरो इक्वेशन में रखेंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास आई, वो आई हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में, ठीक है, प्लस में माइनस है, प्लस का बन जाएगा एम जी एल कोस थीटा, एम जी एल कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया एल, इसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन। अब हमें चाहिए क्या, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, हमें क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, तो जरा लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं, तो लैग्रांजियन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई सात, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वेरिएबल इसमें क्या है, एल कॉन्स्टेंट, केवल थीटा वेरिएबल है ना, तो हम यहां पर क्यू आई की जगह है, क्यू आई की जगह क्या ले लेंगे, थीटा, समझ में आई बात, क्यू आई डॉट की जगह हम क्या ले लेंगे, थीटा डॉट, ठीक है, इसीलिए इसको जर्नलाइज कोऑर्डिनेट बोला गया था, यहां पे जो वेरिएबल है वो क्यू आई, एक वेरिएबल है,
वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, इसी प्रकार क्यों यहां पे वेरिएबल क्या है, थीटा, थीटा वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो क्यू आई थीटा को क्यू आई डॉट थीटा डॉट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सेम तरीके से। और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फिर हमारे पास क्या बन जाएगी यहां पर, डी बाई डी टी, और ये आया डी एल बाई डी थीटा डॉट माइनस डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 8। अब निकालो पहले डी एल बाई डी थीटा, एल हमें दे रखा है डेल बाई डेल थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव है एल, ये रहा ये थीटा डॉट है, थीटा वेरिएबल क्या है, थीटा, यहां पर कोई थीटा है क्या, नहीं, तो इसके लिए जीरो जीरो। दूसरा लो भाई, यहां पर थीटा ये रहा, तो दूसरा एम जी एल एज इट इज कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आ गया। तो हमारे पास डी एल बाई डी थीटा की वैल्यू जो आई वो आई माइनस एम जी एल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 9। फिर निकालो भाई डी एल बाई डी थीटा डॉट, डीएल बाई डी थीटा डॉट करेंगे जब कितनी आ जाएगी बताओ, थीटा यहां पर थीटा ये तो जीरो केवल इसी में है, यानी कि हाफ एम एल स्क्वायर है, इट इज टू थीटा डॉट प्लस जीरो, तो ये से ये कट गया, तो हमारे पास आ गया एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। फिर डी बाई डी टी, अब कंप्लीट डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल केवल एक है, वो कौन सा है, थीटा, एम और एल तो कॉन्स्टेंट है, तो एम एल स्क्वायर एज इट इज डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा दो बार डबल डॉट, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 10 और 9 को किस में पुट कर दो भाई, 8 के अंदर, इक्वेशन 9, 10 पुट इन इक्वेशन 8 इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, तो जैसे ही 8 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस बन गया, एम जी एल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो जरा ये माइनस है, यहां पर रखूंगा तो ये प्लस का हो गया, एम जी एल साइन थीटा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ठीक है, एम दोनों में कॉन्स्टेंट है, एल ये रहा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल थीटा डबल डॉट प्लस में जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया थीटा डबल डॉट प्लस में जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये आया। अब ध्यान से देखिएगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये गिवन है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये हमें गिवन, थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा नियरली इक्वल किसके बराबर हो गई, थीटा के बराबर हो गई, इसका मतलब थीटा डबल डॉट प्लस में जी बाई एल थीटा किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमने पहले कैलकुलेट की थी न्यूटोनियन से, और यही हमने अभी कैलकुलेट करी, ठीक है। इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा की वैल्यू आ गई जी बाई एल, और टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2π/ω, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2π√L/g, सेम सॉल्यूशन, सेम आया है सब कुछ, एक को हमने न्यूटोनियन से किया, एक को हमने लैग्रेंजियन से किया। न्यूटोनियन में हमें फोर्स याद में रखना पड़ता है, टॉर्क लगाना पड़ता है, यहां हमें केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें जैसे ही मिलेगी, और ये हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें वो वैल्यूज निकाल के रख देनी है, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रिजल्ट, हमें क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें मिल जाएगा रिजल्ट, क्या मिल जाएगा हमें, हमें रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट, ठीक है, ये रहा, ये रहा, यही है लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन की खूबसूरती यही है। तो मैंने कहा था, ठीक है, हमने क्या कहा था, जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हम न्यूटोनियन अप्रोच से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लैग्रेंजियन से भी कर सकते हैं। आज हमने एक ही प्रॉब्लम करी, और जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कमाल की बात, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये कौन से सिस्टम पे लगा सकते हो, जहां पर केवल और केवल कंजर्वेटिव टाइप फोर्स होंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन से फोर्सेस के लिए अप्लाई होगी, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, लिख लो,
ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। जहां पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज अप्लाई होंगे वहां पर हम डायरेक्ट ये लैग्रेंजियन लगाकर मिनटों में आंसर निकाल सकते हैं। देखो भाई न्यूटोनियन में हमें फोर्स के डायरेक्शन ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैग्रेंजियन की सिंपल सी बात है, टी और वी लिखनी होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन डायरेक्ट कब लगा सकते हैं, केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो इस इक्वेशन में हमें बदलाव देखने को मिलता है, और उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, देखो हमने न्यूटोनियन अप्रोच से निकाला तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनी, और ये ओमेगा बना, ये टाइम पीरियड आया। फिर हमने लैग्रेंजियन अप्रोच से निकाला तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनी, ये ओमेगा आया, ये टाइम पीरियड आया, यानी दोनों ही कंडीशन में सेम आए। और जाते जाते अगर मैं आपको देना चाहूं तो HW के लिए एक एग्जांपल आप ट्राई करना, दोनों ही मैकेनिक्स से न्यूटोनियन भी लगाना और लैग्रेंजियन भी लगाना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास एक पुली है, दोनों से हो जाएगा भाई, ये बता देता हूं। मेरे पास क्या है, एक पुली, ये रही भाई वो पुली, मेरे पास क्या है, एक पुली, ये रही वो पुली। ठीक है, इस पुली पे एक रस्सी ऐसे लपेट रखी है, रस्सी ऐसे इस पुली के ऊपर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, यहां पर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ठीक है, ग्रेविटी के अंदर ये गिर रहे हैं। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन बतानी है m2 मास की M2 मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, M1 मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, आपको निकालना। एक पुली है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है M1 और M2 किधर मूव करेंगे, केवल वाई एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहे हैं। इसको ओरिजिन मान लो यार भाई, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, M1 और M2 मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, M1 एंड M2 masses constant to move along only y axis। ठीक है, find out acceleration of masses m1 and m2 का masses का acceleration आपको निकालना है। ठीक है, क्या होगा, ये HW है भाई, कौन सी अप्रोच लगानी है, दोनों अप्रोच लगानी है। नंबर एक न्यूटोनियन अप्रोच से सोल्व करो भाई, ठीक है, करते आए हो, ठीक है, न्यूटोनियन अप्रोच लगाओगे उससे आप कैलकुलेट करते आए हो। दूसरा आपको लगाना है लैग्रेंजियन अप्रोच, HW है, करके देखना घर पे आराम से। ठीक है, क्वेश्चन है भाई, ये एग्जांपल है आपके लिए। ठीक है, आपको दोनों अप्रोच लगानी है, न्यूटोनियन और लैग्रेंजियन। देखो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, HW है। और आज के सेशन को अपन यही एंड करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, नए सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। और आने वाले सेशन में हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर सिस्टम पे प्रेजेंट होंगे तब हम उसको कैसे डील करेंगे, उन प्रॉब्लम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लैग्रेंजियन अप्रोच से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थोड़ी मॉडिफाई फॉर्म में आ जाती है, तो उसको नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।